पंजाब शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा. यस, वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू द किंग ऑफ कॉमेडी मिस्टर बिनू ढिल्लो, जो अब कल फिर आने वाले हैं हम सबको खूब हंसाने. तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं उनसे. हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी. सत श्री अकाल जी. टाइम्स पंजाब देख रहे सारे दर्शकों, मेरे वालों बहुत ही अदब सत्कार ते प्यार दे नाल सत श्री अकाल जी. चढ़दी कला चरो. सर, सबसे पहले आपको बहुत कांग्रेचुलेशंस. तो आपकी लास्ट मूवी काला शाह काला सुपर डुपर हिट गई. थैंक यू सो मच जी. थैंक यू. सब आपकी बदौलत है जी. तुसी सारे दा तुहाडे सारे दा प्यार है जी. थैंक यू सो मच. इदां ही प्यार करदे रहो पंजाबी इंडस्ट्री नूं. मैनूं भी प्यार करदे रहो जी. मैनूं मेरे ते आशीर्वाद आपदा नाल रखो जी मेरे नाल. सर, एक चीज बताइए, उस मूवी में बड़ा आपका जो हमें अवतार एक देखने को मिला था ब्लैक, एंड आपने हमें बताया था कि आपने बूट पॉलिश ही नहीं सिर्फ उस पे लगाई थी. अब एक चीज हमें बताइए, आपके हेयर्स इतने ब्लैक कैसे हो गए उसके पास? बस इदां ही है जी. ये सब तुहाडा आशीर्वाद है. तुहाडे आशीरवाद सदका ये चमक आउंदी है. जदों घरों थापी मिलदी है ना, फिर बच्चा होर ज्यादा उहनूं हुंदा वी चल मैं होर वधिया कम करां. तां ये सब तुहाडी बदौलत है जी. सर, एक चीज़ हमें बताइए कि लोगों को हंसाना, हमने पहले भी आपसे ये चीज़ पूछी थी कि लोगों को हंसाना आपको कितना डिफिकल्ट लगता है? इट्स वेरी टफ टास्क एक्चुअली. बहुत ज़्यादा औखा है अज की स्ट्रैसफुल लाइफ के पिछले, क्योंकि हरेक बंदा भरे ही बैठा. जिन्होंने मर्जी चूंढी वढ़ लो, रोण तो तैयार ही है सारे जाने, है ना जी. तो एक सिचुएशन क्रिएट करनी इट्स वेरी टफ. किस दे चेहरे ते मुस्कान लेके आनी इट्स वेरी टफ. तो जो आप सिचुएशन बनाने तो एक सोशल मीडिया का बड़ा बड़ा सहयोग है जी इनू दबाने के लिए, क्योंकि जो एक सिचुएशन क्रिएट होंगी है तो शाम को उही सिचुएशन या उही चुटकला तुहानू दोबारा रिपीट के सुना दिता जाता है. तुसी जैसे लक कह लो मैं सवेरे मैं बनाया सी, कहिंदे चल परां, है ना. ये तो सुनिया है साडा पहला गाना, जबकि आप 10 साल 100 साल तक सुनते रहने वारी वारी. उहदी उम्र बड़ी वड्डी हुंदी है. तो इस करके त्रासदी है जी जिन्ने कमेडियंस या जिहड़े कमेडी सिचुएशन क्रिएट करते हैं. इट्स वेरी टफ. किसी के चेहरे पर मुस्कान लेके आना इट्स वेरी टफ जी. सर, आपने अपनी लाइफ में जब से आपने ये मूवीज लाइन में स्टेप ऑन किया है, जब से आपने आना स्टार्ट किया, आपने कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ देखी है इस लाइन में आने के बाद? हुण तक स्ट्रगल ही चल रही है जी. तो मसा तुहाडे आशीर्वाद नाल हुण कम मिलन लग्या जी. वधिया वधिया कम हुण मिलन लग्या. पहला 2 मिनट दे रोल करदा सी, 2 मिनट तो 10 मिनट का होया जी, 10 मिनट तो 20 मिनट का होया. हुण मेरे मूवी मेरे मेन उस रख के कह रही बनिया ने मूवियां. तो सारे का मैं धन्यवाद करता हूँ. तुहाडी बदौलत है, सारे चाहण वाले की बदौलत है, तुहाडे आशीर्वाद सदका सारे जी. सर, जो अभी आपकी मूवी आ रही है बैंड बाजे, उसमें आपका किस तरीके का करैक्टर है, उसके बारे में कुछ लाइट्स दीजिए. करैक्टर बड़ा डाइसी है जी. तुम जाके देखोगे तो बस मैं तो यही कहूँगा फुल ऑन कॉमेडी मूवी है. सारे ने देखने वाली मूवी है और तुम्हें पूरी जी मेरी शरारत ने तुम्हें पूरा हसाणी है जी. हम एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी एक मूवी आई थी कैरी ऑन जट्टा, उसमें आपका हमने करैक्टर देखा वो था मैरिड करैक्टर. उसके बाद आप जितनी भी मूवीज अब तक दे रहे हैं, आप सब में शादियां करवा रहे हैं कि क्या बात है, आपको इतना इंटरेस्ट है. लोग एक शादी करवा के थक जाते हैं, आप कंटिन्यूसली शादियां करवा रहे हैं. जेड़ी शादी जेड़ा ब्याह किसी के चेहरे पर मुस्कान लिया सकता ना, जहे जे ब्याह मैं करवाना जी. जे किसी के चेहरे पर मेरी प्यारी सत्कारयोग ऑडियंस के चेहरे पर जे मिठास या एक मैं कहना हंसी लिया सकता है ना जी, एक लाफ लिया सकता है, एक ढिडों हसाना लिया सकता, तो मैं इनू यह जे 1000 ब्याह कराने मंजूर है जी. एक चीज़ जैसे इसमें हमारे आपके जो को एक्टर हैं मिस मैंडी तक्कर, उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस का एक रोल प्ले किया है, तो आपको क्या लगता है जैसे कुछ रिलेशंस हमारे डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा पाकिस्तान के साथ, तो इस मूवी के बाद क्या कोई मैसेज मिलेगा लोगों को कि आपस में भी कुछ रिश्तों में सुधार होना चाहिए? नहीं, 100% जी. क्यों एक्चुअली मैं तो यही कहना ना ऑडियंस नू जी, सारे नू जी, फिल्म माध्यम है ना जो पिक्चर का जो सिनेमा माध्यम है जी, ये एंटरटेनमेंट का माध्यम है. इन इसे तौर पर लिया जाए, असं एंटरटेन करते हैं, कदम चोर बन जाने, कदम डाकू बन जाने. एक मूवी बनाने 2 साल लगते हैं, 2 साल के नेड़े तेड़े मेरे ख्याल 2.5 साल लग जाते हैं स्क्रिप्ट तो लैके मेन इतने तक पहुँचना फिल्म रिलीज़ तक. तो इस बड़ी बड़ी एफर्ट होंगी और 500 परिवार घट्टो घट रोटी खाता ये जी. तो पर असी 100% ये मैसेज हैगा भी प्यार नाल रहना चाहिए. प्यार वर्गी तो रीस ही नहीं जी. प्यार जो गल प्यार नाल हो जाती है वो अग्रैशन नाल तो होंगी नहीं. तुम वैसे ही बच्चे प्यार नाल 2 बार समझा के देख लो तो वो रेशो कढ़ के देख लो, 98% प्यार कम आऊगा, 2% अग्रैशन कम आऊगा, है ना जी. तो मैं कहना प्यार नाल ही रहना चाहिए जी, सारे प्यार करना चाहिए जी. पॉलिटिक्स में आपको कितना इंटरेस्ट है? डू यू वॉन्ट टू कम इन पॉलिटिकल लाइन? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जी. मैं जमी वधिया लग मैनू बिल्कुल वधिया नहीं लगती. मैं पता ही नहीं लगता मैं हूँ किसी पुछ. आपको ये तो पता ही होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है. वो तो पता ही है जी. तो लास्ट में हम चाहेंगे आप अपील कीजिए लुधियानवी से, लोगों से, कि जो आपकी कल मूवी रिलीज होने वाली है, जैसे आपकी हर मूवी को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है, इस मूवी को भी वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएँ और अपना खूब सारा प्यार दें. प्लीज़ अपील. पुरानी फिल्मों लिए तुम इन्ना प्यार दिता जी. मैं तो प्यार सदके इतने बैठा जिते पंजाबी सिनेमा जमाया तो बदौ
बदौलत है जी। अपना प्यार सानू कल दिखाओ सिनेमाघर में जाके, जरूर माणो इस फिल्म में डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तुम यही नहीं कहोगे बिनू ने मिसगाइड करता, जाके साड़ी फिल्म देख के आओ तो तुम्हें वधिया लगी जो फिर सारे सोशल मीडिया से स्प्रैड करो वधिया चीज़ा भी। हाँ यार बहुत वधिया लगी सानू, थैंक यू सो मच। अपना प्यार इदा ही अपनी ब्लैसिंग्स मेरे नाल इदा बना के रखो, जिंदे रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ फेमस एक्टर किंग ऑफ कॉमेडी मिस्टर बिनू ढिल्लो, जिनकी कल मूवी रिलीज होने जा रही है बैंड बाजे। तो हम उन्होंने भी आपसे अपील की और हम भी आपसे अपील करते हैं, इस मूवी को देखने चाहिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिए। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा भसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।